यहाँ पे मैं सीरियम करके आ गई हूँ एंड अभी मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि ये डे मेकअप था, मुझे धूप में भी जाना था। हालांकि बाहर जा तो धूप नहीं है, बट सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे जेल प्राइमर, क्योंकि अभी इतनी स्वेटिंग होती है कि क्रीम बेसिस अगर लगा लो ना, क्रीम बेस जो प्राइमर आता है वो लगा लो ना, तो बहुत दिक्कत होती है फिर, इसलिए जेल बेस प्राइमर लगाया मैंने वहाँ पे। और प्राइमर लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ना होता है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जब तक क्रिम्पिंग कर लेती हूँ हेयर स्टाइल के लिए, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, देन मिलूंगी आपसे, क्योंकि हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने लगूंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक साइड की क्रिम्पिंग कर ली है और अब मैं बना लेती हूँ हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने एक कर ली है छोटी, पीछे लंबी सी छोटी, और सामने की हेयर स्टाइल कुछ ऐसी रखी थी मैंने, क्योंकि बीच में मांग टीका भी लगाना था मुझे, सीस पट्टी जो जिसे बोलते हैं वो लगाना था, तो मैंने कुछ सिंपल सी हेयर स्टाइल रखी है, छोटा सा पफ बनाया है हल्का सा उठा करके, और उसके बाद इधर लेयरिंग की है 3। उसके बाद अभी चलते हैं मेकअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा रही सबसे पहले येलो कलर का कंसीलर, जो कि ये है। आपको फेस में लगाने के बाद इसका सेट थोड़ा लाइट सा लगेगा, बट ये ना बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिस्कलरेशन को ना फिक्स कर देता है, मतलब डिस्कलरेशन नहीं दिखता है। अगर आपके फेस में पिगमेंटेशन है तो वो भी नहीं दिखेगी, अगर किसी भी प्रकार का मतलब छोटा मोटा सा दाग है तो वो भी नहीं दिखेगा। हालाँकि जो दाग होते हैं फेस के, उसको हाइड करने के लिए ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ किया जाता है, और डार्क सर्कल के लिए ऑरेंज कलर का यूज़ किया जाता है, बट मेरे फेस में भी डार्क सर्कल भी नहीं है और किसी प्रकार का दाग नहीं है टच वुड, इसलिए मैं सिर्फ येलो कलर का कंसीलर लगा रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी सीधा फाउंडेशन। फाउंडेशन का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा ही अमाउंट लगाया, बहुत सारा नहीं लगाया है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो मतलब टेक्सचर है ना वो बिल्कुल सही है और परफेक्ट है मेरे स्किन के हिसाब से, तो थोड़ा सा ही लगाओ तो हो जाता है काम। और वैसे भी डे मेकअप में ना बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अलग ही दिखने लगता है फेस, तो थोड़ा ही अमाउंट लीजिए एंड उसे अच्छे से पूरा, या तो आप पफ की हेल्प से कर लीजिए या तो फिर ब्रश की हेल्प से कीजिए, लेकिन हाँ ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। मुझे इस समय ना पफ से ज़्यादा अच्छा ब्रश से ब्लेंडिंग करना, ब्लेंडिंग एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी फिक्सिंग स्प्रे, बिकॉज मुझे इस स्टेप में ना मेकअप को फिक्स कर देना एकदम सही लगता है। मैं हालांकि पूरे मेकअप में 2-3 बार फिक्सिंग स्प्रे कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से फिक्स रहे, क्योंकि गर्मी भी है और मेकअप अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर, कंसीलर हाईलाइटर जो होता है वो लगाई हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगी कॉन्टोर। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग और कॉन्टोर एक साथ कर ले रही हूँ, ईजी भी हो जाता है एंड ब्लेंडिंग करने में भी ईजी हो जाता है। पहले आप कॉन्टोर को ब्लेंड कर लीजिए, देन उसके बाद जो हाइलाइटर लगाया हो उसे ब्लेंड कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें ना एक साथ कर लेती हूँ। आप यहाँ पे इस तरीके से देख करके और कर सकते हो। और इस वाले वीडियो में ना मैं सिर्फ बेस बस ही बता रही हूँ, नो आई मेकअप, नो ब्लशर हाईलाइटर और बाकी चीज़ें नहीं बता रही, सिर्फ बेस बता रही हूँ मीन्स ये फाउंडेशन को अप्लाई करना, कंसीलर अप्लाई करना और ये कॉन्टोर करना। तो इतना प्लीज़ आप बहुत अच्छे से देखिए, इस तरीके से अगर आप मेकअप करेंगे ना तो कि बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ जब आप बेस करते हैं ना तो आप 1-2 बार फिक्सिंग स्प्रे अगर कर देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो ना फिक्स हो जाता है, मतलब हट जाता है फेस से उसे। उसके बाद जब हम ब्लेंडिंग करते हैं ना तो जो एक्स्ट्रा मेकअप होता है वो हट जाता है फेस से एंड वो एकदम जो अपने फेस के अकॉर्डिंग एकदम सही होता है ना वही अमाउंट रह जाता है। तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए एंड यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मेकअप को, और ये देखिए फेस की जो चमक है ना वो अब अलग ही दिखने लगी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लशर, क्योंकि क्रीम ब्लशर था तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड ब्लशर लगाया है, माइग्लाम का है ये, बहुत ही बढ़िया है, पिंक सेड है उसका, क्योंकि मैंने मेकअप करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं ज्वेलरी के अकॉर्डिंग ड्रेस वेयर कर लेती हूँ, लहंगा मैं किसी और दिन पहनूंगी रेड वाला, तो मैंने उसे हटाया। देन उसके बाद पिंक कलर का पोशाक पहना था मुझे, तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग बाकी सारा मेकअप कर दिया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक एंड
आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप को फिक्स, ये है फिक्सिंग पाउडर, बनाना पाउडर जो होता है ना वो है, तो उसे मैं लगा करके यहाँ पे मेकअप को कर दूँगी फिक्स। देन उसके बाद करूँगी आई मेकअप एंड बाकी सारी चीज़ें जो हाइलाइटर वगैरह करने हैं वो करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा, और मेकअप के बेस को कैसे रेडी करना है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो बाय बाय। Thank you.